करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में उस समय हंगामा मच गया जब एक शव को अलग अलग दो पक्ष लेने के लिए पहुंच गए। दोनों पक्ष अपना अपना दावा जताने लगे कि डेड बॉडी को वह अपने घर लेके जाएंगे। हम आपको बता दें कि गांव रायपुर जाटान का रहने वाला 37 वर्षीय व्यक्ति सरकारी नौकरी में ड्राइवर लगा हुआ था और पिछले लगभग 10 से 12 साल से वह लिव इन रिलेशन में किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि जहर खाने से उसकी मौत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने युवक को जहर दिया है। मृतक की पहली पत्नी सुमन ने कहा कि उसका एक बच्चा है और वह डेड बॉडी को अपने गांव में ले जाकर दाह संस्कार करना चाहती है, परंतु दूसरी महिला इस पर अपना दावा जता रही है, जिसके कारण यहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, जिसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा महिला को गाड़ी में बैठा कर ले जाना पड़ा। फिलहाल मृतक का शव गांव रायपुर जाटान में ले जाने के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। नमस्कार, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मर्चरी हाउस से। यहाँ पर उसने तो मारे जी, हमने तो हमने चाहिए मुझे क्या पता, मेरे को थोड़ा पहले पता था जब ऐसे शादी की थी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बाद में पता लगा था जब लड़ाई लड़ी पड़ी थी, तो सारी आइडिया मेरे बच्चों की उनके नाम पे है, मेरी सारी आइडिया उनके नाम पे है। 12 साल से मेरे साथ रह रही, आज तक वो कभी अपने गाँव नहीं गए, कभी किसी के घर नहीं गए, ना हम गए, तो अब कैसे ये आगे सारे दुख सारे। बच्चे हैं आपके? दो लड़कियां सर। पहली पत्नी से उनके कितने हैं? मुझे नहीं पता उसका कितना। तो झगड़ा किस लिए हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, हमने उसकी मिट्टी लेके जानी है। 12 साल से मेरे साथ रह रही है, मिट्टी कैसे ले जाएगा? 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में पागलों की तरह उसका इलाज करवा रही हूँ। इनको मैंने फोन किया भी आ जाओ, तब नहीं आए, तब कोई नहीं आया। जब इनको पता लगा ना भी वो मर गया है, फिर उसकी सिर्फ माँ। ये विवाद प्रॉपर्टी का भी है कि जिनकी जो प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी का भी है, ये इसीलिए तो लेके जाना चाहती है उसको। हमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ का प्रॉपर्टी है इनकी? रायपुर जटान में इनकी 4 किले जमीन है, 2 बड़े भाई के नाम, 2 छोटे भाई के नाम। वो बात सुन लो, इतनी है सर, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हरियम चाहिए बस। मुझे मेरे को कहता था संस्कार करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ जगह पे ले जाए, कॉमन का भी हो जाए। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कॉमन जगह पे ले जाएगा, उनका भी खिलाफ नहीं है, हम उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं चल रहे, उनकी मां का भी हक बनता है, कॉमन जगह ले जाओ। नहीं, मरो तो मरो, दुनिया मरती है ऐसे, ये पागल नहीं है। इसकी माँ खड़ी है, इसका घर वाली है, इसका लड़का है, इसका गांव का परिवार खड़ा है, इसका सारा परिवार है, कहाँ जाए उसका है? आप एक बात बताओ, उसका एक सबूत दे दो, एक सबूत दे दे जो ये गांव में खड़ा है। ये गांव भी तो किसी आधार पाया होगा, ये इसकी माँ भी तो होगी यहाँ पे, इसके घर वाली भी होगी, इसकी बहन भी है, इसका सारा परिवार है, इसका रिश्तेदार है, उसका ले आओ एक, एक बताओ उसका कहाँ पे, दिखाओ एक हाथ इसका घर चला इसने, और इसलिए तुम्हारी देखा मर आई, यही इसलिए मर आई। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक